तो भाई आज हम चेक कर रहे हैं सुपर क्लीन है डिलक्स का, जो कि हमने ये करवाया था। इसको देखेंगे वॉशेबल है या नहीं है। चेक करने का तरीका ये है कि भाई इस पे क्या है, हमने थोड़ा सा कुछ काम और करवाया था, मतलब कुछ पपड़ी छूट रही थी तो सारी छुड़वा के और गड्ढे वड्ढे भरे थे। तो ये है चौक मिट्टी और POP दोनों को मिक्स लगा के इसको भरे हुए हैं, जैसे ये है। तो वॉशेबल का चेक करेंगे भाई, इसके ऊपर क्या है, मिटेगा नहीं मिटेगा। तो ये क्या चौक मिट्टी तो छूट रही है, ठीक है, और ये ऐसे निशान है। तो चेक करते हैं एक कपड़े से और देखें ये साफ़ हो रहा है नहीं हो रहा। ये तो होगा नहीं ओबियसली, यहाँ पे ज़्यादा निशान है क्योंकि यहाँ पे पेंट हुआ ही नहीं है। इसको चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ से कोई कपड़ा ले लेते हैं, ये कपड़ा ले लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली पहले ऐसे ही मार लेंगे, देखो वैसे ही साफ हो गया। तो इधर का देखते हैं, ये भी वैसे ही होगा। तो भाई ये है इजी क्लीन, नो सॉरी इजी क्लीन भी सही है, बर्जर का है, पर ये हमने सुपर क्लीन करवाया। ये देखिए इजी क्लीन की बाल्टी वहाँ पे है, इजी क्लीन हम करवाएंगे अभी, ऊपर वाले उसमें कराएंगे। इसे वाले हमने सुपर क्लीन करवाया था, येलो कलर की है ये वाली, ये कुछ ये वाला हाईली वॉशेबल पेंट। और देख लेते हैं अगर कुछ करना, तो ये चेक कर लेते हैं। लो ये भी साफ हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा कुछ था भी। ओके नीचे का कुछ करना हो तो ये तो पहले ऐसे ही निशान है, पेंट सही नहीं हुआ। ओके और मैं देखता हूँ भाई कुछ और, यहाँ ये ज़्यादा वाला ट्राई कर लेते हैं। पेंट नहीं छूटा, देखो पेंट का कलर बिल्कुल वैसा का वैसा है, बस जो इस पे ये POP और ये पुट्टी लगी हुई थी वो ही साफ हुई है। ये देखिए पूरा ही साफ हो गया। यहाँ पे अगर और भी कुछ करना चाहो तो वो भी हो ही जाएगा, इसको भी करना चाहो तो। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पेंट नहीं हो। ये देखिए बस इस तरह से साफ हो चुका है, और साफ करना चाहते तो ऐसे हो भी जाएगा। तो भाई देखा आपने इस तरह से जो है डिलक्स सुपर क्लीन जो है ऐसे काम करता है, और काफ़ी बढ़िया पेंट है, कुछ ऐसे ऐसे साफ भी हो जाएंगे सारी चीज़ें अगर आप करना चाहते हो। तो ये देखिए पेंट नहीं उतरा, जितनी इसमें POP पुट्टी लगी थी वही उतरी है। तो ये होता है इनके कमाल पेंट का सुपर क्लीन जो है। तो बस वाली इस वीडियो में थे कि बताओ तुम्हें वीडियो कैसे लगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत सारी आती रहेगी हार्डवेयर के रिलेटेड और जो है मशीनों के रिलेटेड। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।